अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। एक मुल्क तबाह हो गया, एक मुल्क बर्बाद हो गया, लुट गया, आतंकवादियों का कब्जा उस मुल्क पर हो गया, मगर दुनिया देखती रही, तमाशबीन बनी रही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया तमाशबीन क्यों बनी रही। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में आपका स्वागत है। काबुल के एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आई, अगर आप देख लेंगे तो सीना छलनी हो जाएगा। दुनिया के इतिहास में आपने आज तक ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी। बीते 24 घंटे में अफगानिस्तान की जो तकदीर बदली है, उसे देखकर हर कोई अमेरिका के खिलाफ आक्रोश में है। आखिर क्यों एक बदले के लिए 20 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिका ने पैर जमाए रखे और रातों रात वो वहां से बोरिया बिस्तर समेट कर चला कैसे गया? आखिर कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से मुल्क हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के साथ धोखा किया है? नरसंहार को बड़े मुल्कों ने क्यों नहीं रोका है? लेकिन सबसे पहले ये बड़ी खबर देखिए। सबसे पहले ये बेहद बड़ी, कम से कम शून्य के, सर्वनाश के शून्यों के हिसाब से बेहद बड़ी खबर। वो लोग जो अंग्रेजी में समझते हैं, ये 61 ट्रिलियन लिखा हुआ है। वो लोग जो हिंदी में इसकी गिनती करना चाहते हैं, वो कर लें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख। मामला कितना बड़ा है। सर्वनाश के ये शून्य बताते हैं कि जिस पर एतबार किया गया, वहीं से धोखा मिला। ये धोखा क्यों मिला और ये धोखा क्या वेल प्लान्ड कहानी थी या एक्चुअली हालात कुछ ऐसी करवटें लेता चला गया जहां इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा था? ये सर्वनाश के शून्य क्या पूरी कहानी बताते हैं? क्यों हम इन्हें सर्वनाश के शून्य कह रहे हैं, आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह देखना जरूरी है, अफगानिस्तान संकट पर पूरी दुनिया में बदनाम अमेरिका, दुनिया के हर बड़े मंच पर अमेरिका की फजीहत। जर्मनी, ब्रिटेन, रूस ने अमेरिका को बताया जिम्मेदार। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने अफगान प्रदर्शनकारी, अफगान प्रदर्शनकारियों ने बाइडेन को बताया धोखेबाज। अमेरिका में हर अधिकारी को कुछ भी बोलने पर पाबंदी। अमेरिका मुंह सिले हुए है और पूरी दुनिया उसकी तरफ हैरानी से देख रही है कि ऐसे में वो इतना आत्मघाती कदम कैसे उठा सकता है। ऐसे में क्या असल में उसके हितों के बारे में जहां समझा जा रहा है, एक्चुअली उसके हित कहीं और से सध रहे हैं? क्या अब यहां हितों के बजाय उसे परेशानियां ज्यादा बड़ी दिखाई देने लगी हैं? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और अगर ऐसा है तो क्या कनेक्टेड वर्ल्ड में ये परेशानी जो फिर अभी अफगानिस्तान के लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्या पूरी दुनिया को झेलनी नहीं पड़ेगी? अगर 9/11 अंजाम दिया गया था इस जगह से, इस जगह पर भी उसकी प्लानिंग हुई थी, तो क्या आने वाले दिनों में आतंकी तंजीमों को बढ़ाने के लिए यहां से और ज्यादा शह नहीं मिलेगी? और अगर ऐसा है तो फिर क्या आने वाले दिनों में दुनिया इसको झेल पाएगी? अब एक बार फिर से तालिबान का प्रभुत्व बढ़ जाने के बाद क्या कोई फिर तालिबान पर हाथ डाल पाएगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब के लिए दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही है, लेकिन अमेरिका मुंह सिले हुए है। बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि जो बाइडेन तो कैंप डेविड में छुट्टियां मना रहे हैं। अफगानिस्तान में नरसंहार, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार? अमेरिका 21 साल बाद वापसी का ऐलान कर देता है। 21 साल बाद वापसी का ऐलान करते ही ताबड़तोड़ तरीके से वहां से विड्रॉल शुरू हो जाता है। अफगान में नरसंहार रोका क्यों नहीं, संसार ने यह सवाल है अगर, तो यूएस को कमजोर होता देखकर खुश कौन कौन है? रूस उसमें से एक है क्योंकि उसकी अदावत पुरानी है। रूस यूनाइटेड स्टेट्स को कमजोर होता हुआ देखकर खुश है, लिहाजा वो अफगानिस्तान के घावों पर मरहम नहीं लगा रहा क्योंकि यहां उसको वो घाव अमेरिका पर लगे हुए दिखाई देते हैं। ब्रिटेन का हाल क्या है? ब्रिटेन अमेरिका को जिम्मेदार ठहराकर अपने आप को किनारे कर लेता है और इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी पा लेता है, लेकिन ये आग लगेगी तो आएंगे कई घर जद में, क्या ये ब्रिटेन को मालूम है? चीन अमेरिका की जगह लेने के लिए तैयार कर रहा है खुद को, सुपर पावर खुद को साबित करना चाहता है और ऐसे में जितनी न्यूसेंस एलिमेंट्स हैं उनके साथ खुद को मिलाकर दिखाना चाहता है और उनमें से तालिबान एक प्रमुख न्यूसेंस एलिमेंट है। और तालिबान जो उम्मा की बात करता है उसके लिए भी देखिए सूटेबल
उम्मा टॉकिंग क्या होती है, उइगर से मुंह फेर लो और उम्मत की बात करो। और तमाम मीटिंग्स के बावजूद यहां खामोशी नजर आती है। अब ये जो आप देख रहे हैं अफगान में नरसंहार क्यों नहीं रोक पाया, इसे वक्त रहते संसार तमाम मीटिंग्स के बावजूद खामोशी क्यों नजर आ रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तालिबान आया तो फायदा किसका है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आइए देखते हैं तालिबान अगर आता है तो फायदा किसको होता है। मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा, बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ने वाले हैं, जो आपको अब वहां के हालात, इसकी तर्जुमानी और आगे क्या होने वाला है खोलकर समझाएंगे। लेकिन उससे पहले तालिबान का राज क्या हो गया, डर का आगाज। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग वहां सिर पर पैर रखकर भाग रहे हैं, लोग ये नहीं देख रहे हैं कि अगर प्लेन के अंदर नहीं जाएंगे, विंग्स पर बैठेंगे तो टेक ऑफ करते हुए वो गिर जाएंगे। वो किसी भी तरीके से अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको सिर पर मौत दिखाई दे रही है। अगर ऐसे हालात हैं तो ऐसे लोगों की तादाद क्या है जो अपने लिए वहां खतरा देख रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने अपने घर के आगे वो सफेद झंडा जो तालिबान से ताल्लुक रखता है लहरा लिया है, क्या अब वहां पर उनके लिए डर नहीं रह गया? क्या अब उनके साथ वैसा किया जाएगा जैसा अभी मुल्ला बरादर ने कहा है कि हम सबकी जान और माल की हिफाजत करेंगे? जाहिर है तालिबान के कहे हुए पर यकीन करना अपने आप को धोखा देना है। और ऐसे में वो लोग जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक उनको जान देना ही पड़े इस क्रम में, वो समझते हैं कि तालिबान ने जो कहा है वो नहीं निभाएगा। तारिक फतेह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान मूल के लेखक हैं, और जो अपनी खरी खरी और सही सही बातों से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और कई बार उनके आलोचक भी उनकी इस बात के लिए तारीफ करते हैं। प्रसून शर्मा विदेश मामलों के जानकार हैं, खासतौर से अफगानिस्तान के बारे में आपको वो चीजें एकदम पारदर्शी तरीके से समझाएंगे। शीलकांत शर्मा जी जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत हैं। कैसे ही राजनयिक संकट है इस वक्त भारत के सामने, एक यक्ष प्रश्न है, क्या तालिबान के साथ किसी भी सूरत में आधिकारिक रूप से संबंध हम रख सकते हैं, और अगर नहीं तो क्या इतने महत्वपूर्ण जगह पर सामरिक और रणनीतिक रूप से यह एक गलती तो नहीं होगी? इस पर उनसे जवाब लेंगे। जावेद गफारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार, जिन्होंने फ्राइडे हमारे साथ बातचीत में, जो ये जुमा गया है उसी दिन उन्होंने बातचीत की थी, और ये कहा था कि महिलाओं और बच्चों के साथ एट्रोसिटी हो रही है और वहां आतंकवादी काबिज हो रहे हैं, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन आज उनके प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि आज अफगानिस्तान आजाद हुआ, जब वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान ने अपनी गुलामी की बेड़ियां उतार फेंकी, तो इसको कैसे देखते हैं, उनसे समझेंगे। नेहा पंत सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं और शिकागो से जुड़ रही हैं। अमेरिका का रुख, वहां का रवैया, वहां का नजरिया क्यों है ये चुप्पी, उनसे हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले तारिक फतेह साहब, वो हो गया जिसका डर था, इतना ज्यादा हो गया कि इसका तो किसी को भी डर नहीं था कि अमेरिका खुद काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस पे कब्जा करे, उसके अंदर सफाई करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हेलीकॉप्टर से निकाल दे। ये मैं आपको बिल्कुल अपनी सोर्सेज से बता रहा हूँ। जब अमेरिकन फोर्सेस ने प्रेसिडेंशियल हाउस पे पूरा कब्जा मुकम्मल किया, उसके बाद उन्होंने तालिबान को इनवाइट किया कि आप अंदर आए। इससे साबित ये है कि थ्रू आउट दोहा के अंदर जो खलीलजादा साहब और ये तमाम लोग जो कराए के टट्टू जिसे मैं कहूँगा, जो मर्सनरीज हैं अमेरिका के, जिन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ था दुनिया को, लोग बार बार कह रहे थे इनसे बचो, ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन खलीलजादा साहब और बाकी पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने बिल्कुल दुनिया भर के आँखों पर पर्दा डाल के अमेरिका के हाथों तालिबान को सीट पे बिठाया। ये इसीलिए आप देखिए कि पूरी इस कंस्पिरेसी के अंदर किसी अफगान यूनिट ने फायर नहीं खोला है अगेंस्ट दी तालिबान। तालिबान की भर्ती पाकिस्तान से होके अफगानिस्तान में जा रही थी। ये तो जो आप कह रहे हैं तारिक फतेह साहब, ये तो बहुत हैरान करने वाला है, ये बहुत हैरान कुन है। और मैं क्या इसमें ये कह सकता हूँ, यूट्यूब ब्रूटस वाली सिचुएशन है क्या? मैं आपसे ये समझूंगा सर, लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अभी मैं ये समझूंगा इस पर आपसे सर। और अफगानिस्तान से जो लोग अभी लौट कर आए हैं, इन जानलेवा हालात में किसी तरह अपनी जान बचाकर आए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर वो हमको मिल गए हैं और अभी उनका फ्रेम मिल गया, तो प्लीज दिखाइए वो कौन से लोग हैं, प्लीज उनको फ्रेम मिलाइए, प्लीज उनको दिखाइए स्क्रीन पर इस वक्त, वो कौन से लोग हैं जो अफगानिस्तान से यहां पहुंचे हैं और बमुश्किल पहुंचे हैं, किसी तरीके से पहुंचे हैं, और खैर मना रहे हैं कि वो पहुंच गए वक्त रहते, क्योंकि अब वहां से कोई सिविलियन फ्लाइट, आप जानते हैं, टेक ऑफ नहीं कर रही है,
केवल कुछ आर्मी से जुड़े हुए जो फ्लाइट्स हैं वो वहां से निकल रही हैं और उनमें से कुछ लोग भागने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं। यहां दिख रहे हैं आपको वो चेहरे, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का वो कैमरा वहां तक पहुंचा है जहां पर वो मौजूद हैं और हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त यहां पर हैं। लेकिन उनके पास जाऊं उससे पहले बहुत क्विकली मैं ये समझना चाहता हूं, नेहा पंत आपके पास आकर, अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा ब्लॉट है ये। जी बिल्कुल, मैं आपसे 100% आई एम अग्रीड ऑन दिस। लाइक ये ना केवल एक बहुत बड़ा पॉलिसी फेलियर है बल्कि इसको अमेरिका को अभी फिलहाल, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बोलते हुए, कि एक अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री के तौर पे देखा जा रहा है कि आप यू जस्ट हिट एंड रन, मतलब आपने वहां पर एक अकाउंटेबिलिटी जो आपको लेनी चाहिए थी, आपको अभी तक वहां डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर देनी चाहिए थी। मिलिट्री रिजीम इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, ये हर कोई जानता है। और ये कोई सरप्राइज नहीं है, जैसे कि अभी तारिक साहब ने कहा कि ये कोई सरप्राइज नहीं है कि एवरीथिंग वाज सेट, एवरीथिंग वाज एक तरह से निगोशिएटेड, बिकॉज इसका इंडिकेशन हमें लास्ट साल प्रीवियस ईयर ही मिल चुका था, जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ बोला था कि ही इज गोना विड्रू ऑफ अफगानिस्तान, और वो तालिबान को बार बार निगोशिएशन टेबल पे ला रहे थे। तो ये बहुत बड़ा वार्निंग, जिसे कहते हैं वार्निंग सिग्नल था। लाइक इससे ज्यादा क्लैरिटी आपको क्या चाहिए, जब अमेरिका का राष्ट्रपति खुद बोल रहा है कि वो तालिबान को निगोशिएटिंग टेबल पे लाना चाह रहा है। राइट, तो उसके बाद अगर इसके बावजूद भी पूरी दुनिया ने इसकी ओर, मैं तो कहूंगी कि ये ब्लाइंड आई की गई है, ये ब्लॉट है जिसमें आप ना केवल रिपब्लिकन बल्कि डेमोक्रेट्स दोनों के दोनों पार्टीज दोषी हैं, क्योंकि एक के रिजिम में दोनों ने एक ही बात कही और दूसरे ने उस पॉलिसी को बिना सोचे समझे एक मिसकैलकुलेशन के थ्रू आगे बढ़ाया है। सो आई वुड से ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि शायद अंडर टेबल इतना बड़ा नेगोशिएशन हुआ है जिससे आप और हम सबको अंधेरे में, अंडर टेबल एक बहुत बड़ा नेगोशिएशन है, ऐसा नहीं हो सकता। और ये अगर इतना बड़ा धोखा किया गया है ना सिर्फ अफगानिस्तान के साथ बड़ी बल्कि पूरी दुनिया के साथ, तो इसके एक एक किरदार को आने वाले दिनों में दुनिया को समझना होगा, चुनना होगा, पहचानना होगा और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान से, जो लोग अपनी जान बचाकर आए हैं, वो हैं फारिबा हकीमी, अफगानिस्तान की इरात, अफगानिस्तान की रहने वाली है। 4 साल पहले अपनी 2 बेटियों के साथ हिंदुस्तान आई थी, लेकिन अब भी उनका बाकी परिवार अफगानिस्तान में, इनकी छोटी बेटी को तालिबान के हाथों बेच दिया गया और इनको भी धमकियां मिल रही हैं। मोहम्मद नसीब काबुल से 3-4 दिन पहले भारत आए हैं। सबसे पहले मोहम्मद नसीब और फारिबा, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप हिंदी समझ लेते हैं, बात कर लेंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बिल्कुल गौतम, जो फारिबा हैं ये हिंदी समझती हैं, लेकिन please, जो मोहम्मद नसीब हैं 4 दिन पहले भारत आए हैं, तो नसीब की बातों को ट्रांसलेट करके फारिबा हमें बताएंगी। मैं बता दूं कि हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी वहां मौजूद हैं। जितेंद्र, उस लॉन्ग फ्रेम में मैं आपको देख नहीं पाया था, मास्क की वजह से भी नहीं पहचान पाया। जितेंद्र भाटी बात करेंगे दोनों से और हम तक जानकारी पहुंचाएंगे। जितेंद्र प्लीज क्विकली, कौन है इनकी निगाहों में गुनहगार? बिल्कुल, सबसे पहले तो फारिबा, बिल्कुल ये जो हालात आज बने हैं अफगानिस्तान के अंदर, इसके लिए किसको आप मानते हैं, मौजूदा सरकार को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तालिबानों, किसको? हम इस हालात के मुकसर नहीं समझती कि किस क्या थे, ये चाइनीज क्या थे, ईरान क्या थे, पाकिस्तान क्या थे, हर किसी के हाथ है, ये तालिबान को किसी ने सपोर्ट करती थी है, हम नहीं समझती कि वो कौन है, हर किसी, हम बहुत बुरे हालत में, तालिबान सारी अफगानिस्तान को पकड़ लिया, अफगानी बेचारा को अभी कोई रास्ता नहीं है कि हम क्या करें, कहा जाए। आप कह रहे थे कि आपका जो वहाँ का जॉब थे वहाँ पे, तो आप कहते थे कि जो तालिबानी है तालिबान वो पाकिस्तान से, जी सौंप, किसने, तालिबान ने छुड़ा लिया इनकी बेटी को या तालिबान को सौंप दिया गया कुछ लोगों की तरफ से, हुआ क्या था, ये इंसिडेंट बता सकती हैं जल्दी से? बिल्कुल बिल्कुल देश, आप ये बताइए, आप बता रही थी आपकी छोटी बेटी को तालिबान के हाथों बेच दिया गया। मेरा एक 10 साल के लड़की को मेरे हस्बैंड ने तालिबान को दे दिया 5 लाख रुपए पैसे के लिए, और तालिबान ने बोल दिया अपने 2 बेटी और को भी दे दो, मैं डर से पाक गया हो और बोल दिया अपने बीवी को ख़त्म करो। अभी मेरे हाथ, गर्दन, सर पर 4 चाकू मेरे हस्बैंड में मारा है, और मैं 4 साल हो गया इंडिया में आ गई हूँ, और इंडिया में हमारा
जीना बहुत मुश्किल हो गया। पति तालिबान सपोर्टर है? हाँ, मेरे पति को भी तालिबान सपोर्ट करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। जितेंद्र यहाँ पर रुकिए, जरा मुझको प्रसून के पास जाना पड़ेगा। प्रसून शर्मा, आप समझते हैं अफगानिस्तान को? ठीक है हसीबा, मैं आता हूँ आप उनके पास। जितेंद्र उनको इशारा कर दीजिए, कुछ ही देर में उनसे फिर से बातचीत करेंगे। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, प्रसून इसको क्लोज कीजिए पहले, ये क्या दिखा रही है ये बता दें। जितेंद्र क्विकली बताइए इनके हाथ में क्या है। मेरे बाबा को आ गया, ये इमारत इस्लामी की मौत। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ दिनेश, इनका ये कहना है कि ये अपने दो बच्चों को लेकर भारत भाग आई, लेकिन उसके बाद भी तालिबान की तरफ से बकायदा के जो परिवार वहाँ रह रहा है उनको धमकी दी जाती है। हाँ। और दिन में इनके गर्दन काटने तक की बातें जो है वो की गई है। हाँ। ये वो दस्तावेज है जो इनके पेरेंट्स ने इनको व्हाट्सएप के जरिए यहाँ भेजा है, और इसमें जान का जोखिम इनको बताया गया। तालिबान की तरफ से कहा गया है या तो अपनी दोनों बेटियों को भी इनको सौंप दे, वरना इनको जान से मार दिया जाएगा। और ये धमकी जो अभी भी मिल रही है भारत में आने के बाद, है जान माल का की हिफाजत करने की गारंटी लेने वाले लोगों की हकीकत। प्रसून ये बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं लेकिन प्रसून के पास पहले जाना पड़ेगा। प्रसून मेरे को ये समझाइए, ये हस्बैंड खुद इंसिस्ट कर रहा है अपनी बीवी को कि बच्चियों को दे दो उन्हें। और मैंने ये कहा, ये स्टोरीज भी वहां से देखी जिसमें ये कहा जाता है बाद में बाप की तरफ से जब लड़की का रेप हो जाता है कि तुम तो जिहादियों के काम आ गई और इसमें तुम्हारी जिंदगी सुधर गई। जी दिनेश, ये तो तालिबान का एक सूडो मोटो है कि एक टेरर फैलाना और सोसाइटी वाइज भी टेरर फैलाना, वो तो इनका मोडस ऑपरेटी शुरू से ही रहा है। और इसी का खौफ खा के जो आप देख रहे हैं दृश्य, चाहे वो फ्लाइट्स पे हो या बाकी जगह पे हो, लोग भागना चाह रहे हैं काबुल से या अफगानिस्तान से। ये जो टेरर है इसी की वजह से लोग डर रहे हैं, और आगे ये पूरे पूरे रीजन पे ये कैसा असर करेगा इसी के मतलब सोचने से सारे लोग सहमे बैठे हैं। और अमेरिका ने चुपचाप जो भी ये ग्राउंड पे किया है विड्रॉल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और आई थिंक मल्टीलैटरल फोरम में भी नोबडी हैज स्पोकन अगेंस्ट, नोबडी हैज स्पोकन, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा हैरानी का सबब है। और इसी को लेकर मैं जाना चाहता हूँ श्रीकांत जी के पास। श्रीकांत जी, ये भी कहा जा रहा है कि अशरफ गनी जब वहां से निकले, हालांकि ये तालिबान की तरफ से आया स्टेटमेंट है, $51 लाख वो वहां पर छोड़कर भागे हैं, वो इससे ज्यादा या कम भी रकम हो सकती है, लेकिन हेलीपैड पर छूटी हुई रकम थी। मतलब क्या वहां पर इन लोगों का पूरा ध्यान अपनी जेबें भरने की तरफ था? देखिए ये सब तो अब ये किससे आते रहेंगे, जब एक समझ लीजिए वॉर होता है और उसके बाद हार जीत होती है, तो उसके बाद कई दिनों तक और हफ्तों तक ये कहानियां चलेंगी। पर इन पे हमें ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए, हमें आगे की तरफ देखना चाहिए कि जो स्थिति है वो किस लिए है, कैसी आई है, उसका क्या हो रहा है। तो आगे की स्थिति आप देखिए कि एक अमेरिका है वो चुपचाप बैठा है, वो कुछ नहीं कह रहा है इन सब चीजों के लिए, और सिर्फ ये जो कुछ वो कह रहा है ये लोग नहीं मान रहे हैं। दूसरा जो दूसरे मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, चाइना है, रशिया है, वो तालिबान का खैर मकदम करने को तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में तालिबान जो है वो नाटक पूरा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम शांति चाहते हैं, हम किसी को हानि नहीं करेंगे, और जो कुछ हो रहा है वो तो जो अपराध कर रहे हैं उनका हो रहा है सब, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं उनका हो रहा है, हम उनको उनसे बचाना चाहते हैं। तो ये तो जो भी सरकार वहां काबिज होगी फोर्स के बल पे उसकी डबल टॉक चलेगी, जो मनचाहे लोग हैं उनको मारे, जिनको मारना है उनको मारेगी, और जिनको नहीं मारना उनको कहेगी ठीक है हम उनके लिए शांति बहाली कर रहे हैं। तो ये चलता रहेगा। अब इसी तालिबान पर जो विश्वास करते हैं विश्वास करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, पर जो बन रहा है समाव सा लग रहा है कि तालिबान के खिलाफ जो मीडिया चल रहा है वो भी कुछ सपोर्टिव चल रहा है। आपका चैनल अकेला है जो इस बात को पूरा बता रहा है कि कैसे ये पूरा 21 साल में धोखा हुआ और ये फरेब हुआ। बट अब आप देखिए, मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिन में टीवी चैनल्स का रुख बदल रहा है, खासकर विदेशी चैनल्स का। तो अब ऐसी स्थिति में तालिबान वहां हैं, उनका वहां हक है। जो कल तक उसके साथ थे, गनी के साथ, अब्दुल्ला और उनके सलाहकार, और अब वो हिकमतयार मिल गए हैं, तो इन लोगों ने श्रीकांत सर, लेकिन ये सवाल इसलिए अपनी जगह पर है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रैम्पेंट करप्शन था वहां पर। लोगों को ये लगने लगा था कि ये जो सरकार है ये थोपी हुई है और उनके लिए तो शायद तालिबान ही उनके 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 हाकिम और हाफिज हो सकते हैं। क्या ये बात सच है? करप्शन ने हालात यहां तक ला दिए थे क्या? ये मैं आपसे समझूंगा, लेकिन जावेद गफ्फारी के पास जाने से पहले अहम खबर बता दूं अपने दर्शकों को। तालिबान को पाकिस्तान, चीन, ईरान का समर्थन। इमरान खान खुलकर तालिबान के सपोर्ट में आए, तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, इमरान ने कहा।
चीन ने कहा तालिबान को मान्यता देंगे, ईरान भी तालिबान के समर्थन में खड़ा हुआ। ईरान, पाकिस्तान, चीन खुलकर तालिबान के साथ। और पाकिस्तान का रवैया तो बहुत हैरान करने वाला, जहां एक तरफ वो ये कह रहा था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है तालिबान से, वो एक तरफ वो ये भी कह रहा था कि हम इनके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, वहां पर तालिबान आएगा तो वहां पर हमारे कोई उनके साथ राजनयिक संबंध नहीं रहेंगे। अब यहां पर उसका स्वागत करना बल्कि आजादी का ऐलान करना, ये क्या है जावेद गफारी? आजादी, जैसा कि आपने खुद बताया कि अशरफ गनी जब जाने लगे तो नोटों के ढेर वो भूत छोड़ के चले गए। उनका एजेंडा ही सिर्फ यही था, अफगानिस्तान के अंदर कोई बेहतरी का एजेंडा तो उनका था ही नहीं। 20 सालों में आप कौन सा दिन बता दें जिस दिन वहां पे कत्ल नहीं हुआ? कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पे वहां पे बम धमाका ना हुआ। तो अब आगे दिन बाहर के अभी क्या कर रहा था वहां पे अशरफ गनी ने कहा किरदार बता दें, अमेरिका का वहां पे किरदार बता दें, नेटो फोर्सेस का किरदार बता दें, इंडिया का किरदार बता दें, सारे किरदार तो ठीक रहेगा वहां पे जाना का मकसद ही सिर्फ यही था कि आना है और खाना है। वहां पे कोई बेहतरी की बताए ना, क्या बेहतरी आई है? डॉलर अब आ जाएगी बेहतरी, अमेरिका चला जाएगी बेहतरी। जावेद गफारी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो जो कमिटमेंट करके आए होंगे वो ऐसे थोड़ी आ गए हैं जैसे खुद आप कह रहे हैं। आपने भी पलटी मार दी जावेद गफारी, जावेद गफारी साहब का शुक्रवार का स्टेटमेंट निकालेंगे क्या प्लीज, जिसमें वो वहां खवातीनों पर और बच्चों पर एट्रोसिटी का हवाला देते हुए और टेररिस्ट को लानते भेज रहे हैं? नहीं, भेजा था मैंने, अभी भी भेजता हूँ। जो जो तशद्दुद करता है, इंसानियत के खिलाफ बात करता है, मैं उसके ऊपर लानत भेजता हूँ। जो जो जहां पर कदगर लगाता है, इंसानियत के खिलाफ बात करता है, मैं लानत भेजता हूँ। ये बात कीजिए, ये जितेंद्र भाटी जरा जावेद गफारी की सीधी बात कराइए जो मैडम बैठी हुई है, ये खुद बता देंगे कि तालिबान वहां। और अब बेहतरी की उम्मीद पर दुनिया कायम है, जिस दुनिया को कायम बता रहे हैं वो दुनिया कायम रहेगी क्या? अगर इनकी बात करा सके आप और उनको आवाज पहुंच रही हो तो सीधे बात कराइए प्लीज। बिल्कुल, आप थोड़ा समय दीजिए, मैं एक बात ही करा देता हूँ। ये आप लगाइए, पाकिस्तान से गेस्ट हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। और ये अभी दूध का दूध पानी का पानी हुआ जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ क्या वाक्य पेश आया और कब वाक्य पेश आया ये वाला जो आप बता रही हैं? ये मेरा 4 साल हो गया कि मैं हिंदुस्तान में आ गया उर्दू बच्चों के साथ, पहले और मेरी आपने ये चीज तो पूछी नहीं, खत्म हो गई बात। 4 साल पहले का वाक्य है वो, आप कमाल करते हैं दिनेश, आप 4 साल। अच्छा ठीक है जावेद गफारी, 1 सेकंड, वो 4 साल पहले का वाकया है। हाँ। और तालिबानी तब भी एग्जिस्ट करते थे और अभी भी जो धमकी आ रही है इसमें स्टैंप भरे लेटर आ रहे हैं जिसमें तालिबान स्टैंप मार के भेज रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है दिनेश, अभी तो देश तो अभी भी हमारे बाबा और वो सुन लीजिए वो क्या कह रही है। 1 सेकंड, अरे आप कितना जावेद गफारी, कम से कम उस महिला को सुन लीजिए जिसने अपनी 10 साल की बच्ची को तालिबान के हाथों। अभी भी हम, हाँ बोलिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। फारिबा बोलिए। अभी भी जब मैं हिंदुस्तान आ गया दो बच्चियों के साथ, मेरा 4 साल हो गया। अभी मेरे फैमिली को पेपर आती है कि फरीबा के मात सादिर हो गया है क्योंकि दो बच्चे के साथ वो भाग गया है। मैं भाग नहीं गया हूँ क्योंकि मेरे एक बेटी को तालिबान ने 5 लाख रुपए में खरीदा है मेरे हस्बैंड से और बोल दिया है दो बेटी और को भी दे दो, और मुझे मेरे हस्बैंड ने 4 चाकू मारा है मेरे हाथ पर, सर पर, गर्दन पर। फारिबा, मैं दिनेश बोल रहा हूँ, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। यस, मैं आपकी आवाज़ सुनती हूँ। मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ। जावेद गफारी ये जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो ये कह रहे हैं कि अब वहाँ पर हालात ठीक होंगे, उम्मीद पर दुनिया कायम। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, तालिबान का राज आ गया वहाँ, कह रहे हैं 4 साल पहले की बात छोड़िए, अब सब ठीक हो जाएगा? अभी अफगानिस्तान ठीक नहीं होती है, अभी एक ये तो थोड़ा अगर तालिबान बढ़ती है कि हम स्कूल को और लड़कियों को पढ़ना चाहती है, ये झूठ है। 1 महीने बाद सब 20 साल पहले आती है, ये तालिबान के झूठी बातें, और हम अभी उसके बातें नहीं मानती है।
तालिबान यही तालिब था जो 20 साल पहले था, जो नजीबुल्लाह को मार दिया, डॉक्टर साहब नजीबुल्लाह को मार दिया और सब अफगानिस्तानी बेचारा लोग हो गया है तालिबान की वजह से। अभी तालिबान बदतर आ गया लेकिन बेहतर नहीं। तालिबान और बदतर है, बेहतर नहीं है। और आप जावेद गफ्फारी, उस माँ की ये कहानी, ये करुण कहानी, ये दारुण कहानी, ये इतनी हौलनाक कहानी सुनने के बाद कैसे आपके चेहरे पर हंसी आ सकती है? नहीं, जावेद गफ्फारी, मुझे इस बात की हैरानी है। बाकी सब बातें एक तरफ, किसी महिला की इतनी दर्दनाक दास्तान सुनने के बाद आपके चेहरे पर हंसी कैसे आ सकती है सर? मैं ये सोचकर हैरान हूं। और शायद इस हंसी की वजह से आप तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन तारिक फतेह के पास मैं जाना चाहूंगा। तारिक फतेह साहब, मतलब उनकी निगाहों में जो अच्छा है, तालिबान की निगाहों में जो अच्छा है, तालिबान की निगाहों में जो ठीक है, वो अब वहां होगा और वो पाकिस्तान की निगाहों में भी ठीक होगा। और वो ठीक क्या है ये फारिबा बता रही हैं। मैं आपसे एक बात क्लियर बता दूं, तालिबान की पूरी सोच दियोबंदी है, जो आपके मदरसों में आज भी पढ़ाई जा रही है। आप अपनी बैकयार्ड में भी जरा देखिए कि हो क्या रहा। ये जो हस्बैंड को कहना कि बेटियां दे दो, ये जिहाद के असूलों के अंदर है। जो तुम्हारा सीधा हाथ रखे, एक लो, दो लो, तीन लो, सेक्सुअल स्लेवरी तो आपके शरिया के अंदर डाली गई है। इन्होंने कब छोड़ा है? ये जो पहले आए थे तो जो हजारों हिंदू औरतों से बच्चे जिन्होंने जने, जो आज सब हम मुसलमान बने फिरते हैं, क्या उस वक्त नहीं हुआ था ये? क्या टाइम बदला है सर? वो ही हो रहा है, वही अब्दाली आके दरवाजे पे खड़ा है और अभी भी हम बात कर रहे हैं। वी हैव टू गेट रेडी ऑन अ वॉर फुटिंग। ये अहिंसा और बातचीत ये सब खत्म करें थोड़ा। राइट, यू हैव टू स्टैंड अप एंड फाइट दीज पीपल। ये तारिक फतेह ये कह रहे हैं कि बहुत बहुत दूर की बात मत कीजिए, अपने आसपास भी देख लीजिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। लेकिन हमारे साथ मोहम्मद नसीब भी है। नसीब साहब, अब तालिबान का नसीब सुधरेगा? जितेंद्र भाटी, पूछिए इनसे। बिल्कुल, थोड़ा दिनेश समय दीजिएगा, क्योंकि इनको जो है ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है। मैं बोलूँगा, फरीबा जो है ट्रांसलेट करेंगी। okay. ये बताइए कि अफगानिस्तान ये कह रहा है कि कुछ भी, अब तालिबान ये कह रहा है कि कोई हिंसा नहीं करेगा, बदल गया है, क्या उम्मीद है? ये इनसे पूछिएगा कि कुछ ऐसा बदलेगा? चीज़ें के आज तलब तो मेरा ये फ़कत مردم افغانستان بکشه و از اون دیگه چیز دعوا کنم. رو بسیار وعده های دیگر هم داده بود که ما این کارا میکنیم، این کارا میکنیم. اما نکردم. در دورانی که بار اول که افغانستان را گرفتن، و گفتن که ما امرای دولت افغانستان کار نداریم، اما دکتر صاحب نجیب اونا بدار زدن. پس از او هیچ گپشون قابل اعتبار نیست و گپی نمیزنن که چھوٹا اتر رکھیے گا جتندر کا قابل قبول باشه برای مردم افغان. اب شارٹ کٹ میں بتائیے گا، یہ بولتی ہے ہم طالبان کی باتوں میں کوئی بھروسہ ہم کو نہیں ہے۔ یہ جب وہاں سے بھاگے تو بھاگے کیوں؟ اور بولتی ہے کہ ہم طالبان کی باتوں میں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ طالبان جو پہلے بار 20 سال پہلے بھی آ گیا ہے، بول دیا کہ ہم دولت کے ساتھ ہیں، پھر بھی ڈاکٹر صاحب نجیب اللہ کو مار دیا۔ یہ پوچھیں کہ کیوں بھاگنا پڑا، کیا حالات تھے وہاں پہ؟ میں کہ چرو احمدی ازونجا ما بخاطر ازونجا اومدیم که وضعیت افغانستان کاملا خراب شده بود، فقط یک ولایت یا دو ولایت مانده بود که دو مردم زندگی میکرد، متبقی همش طالب گرفته بود، اونجا طالب تسلط داشت و مردم بیچاره را، دولت همه را از بین میبرد. ما مجبور شدیم که به کشور هندوستان بریم و اون بسیار مشکل ما ویزا گرفتیم. حالا ما تا پدر و کاکای ما هم فامیل اومده افغانستان است و ما اینجا بسیار مشکل اومده. اب جلدی سے بتائیے کیا کرنا ہے؟ نصیر بولتی ہے جب میں میرا ہمارا پرابلم افغانستان میں زیادہ ہو گیا، پھر میں مجبور ہو گیا، ویزا لے لیا، آ گیا ہندوستان میں۔ لیکن ابھی نصیر کے بابا ماں فیملی سب کابل میں اور پریشانی میں، ویزا نہیں ملتی لوگ کو، لوگ بہت پریشان ہیں، سب ایئرپورٹ میں مارتے ہیں لیکن ویزا نہیں ہے۔ جو دنیا جو جگہ ہمارا ہیلپ کر سکتی ہے سرکار کا، وہاں کے راشٹرپتی کا نکل جانا ٹھیک ہے۔ اوکے، گاٹ دا پوائنٹ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ خاص طور سے محمد نصیب کا دھنیواد کیجئے گا جتیندر۔ اگر ہمارے ساتھ فاریبہ بنی رہ سکتی ہیں تو ان کو پلیز رکھیے گا، کیونکہ ہندی میں بات چیت کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ لیکن اب اس کو لے کر میں آگے جانا چاہتا ہوں، یہ بہت حیران کن ہے۔ اس بات کو طارق صاحب بہت سنکشیپ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا कि वहां की सरकार का यूं अचानक चले जाना, अशरफ गनी का यूं निकल कर ये कहना कि खून खराबा होता इसलिए हम निकल आए, अचानक कितना बड़ा सेटबैक लगा होगा वहां उन लोगों को जो इस सरकार की तरफ देख रहे थे? देखिए, जो दोहा में हो रहा था, वो खलीलजादे साहब जो हैं, जो तीन अमेरिकन
प्रेसिडेंट्स के ऑथराइज्ड एम्बेसडर हैं, ये सब पाकिस्तान की लाइन फॉलो करने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको इनका सारा एटीट्यूड ये था कि जो अफगानिस्तान 1960 या 70 में तरक्की की तरफ जा रहा था, इनको अपने सारे इस्लामिक टेररिज्म के एक्सपेरिमेंट वहाँ करने थे। इसीलिए आप देखिए कि नीचे के बलोच प्रोविंसेस में भी इन्होंने पाकिस्तान ने अपने डेथ स्क्वाड्स भेजे, जहाँ सबसे पहले प्रोविंसेस पे कब्जा हुआ तालिबान का, ठीक है, पूरी इनको सपोर्ट थी। और एंड में मैं आपको बताऊं कि ये अमेरिका की मर्जी से, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, मैंने ये सवाल पूछा था कि उनको कितना बड़ा सेटबैक लगा होगा, आपने कहा कहानी तो बहुत पहले लिखनी शुरू हो गई थी, और कहानी किस किसने कैसे लिखी है जरा ये दिखाइए, जो अभी हमने ये ग्राफिक चलाए थे दिखाइए, ये जरा आप देखिए कौन कौन से देश और उनकी क्या भूमिका रही है, कौन से वो मुल्क हैं जिन्होंने खंजर भोंका है अफगानिस्तान की जनता के सीने में, जरा देखिए इसमें आपको नजर आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में अभी तारिक फतेह बोल रहे थे, लेकिन उस वक्त जावेद गफ्फारी मुस्कुरा रहे थे और ये मुस्कुराहट इस समय अच्छी नहीं लग रही है। चीन सीधे सीधे अपना हित देख रहा है, दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन अगर दुनिया भाड़ में चली गई तो चीन कहां जाएगा, ये भी चीन को समझना चाहिए। दूसरी तरफ आप देख लीजिए सऊदी अरब, सऊदी अरब का रोल इसमें और कतर का रोल, जहां पर आप ऑफिस बनवा रहे हैं तालिबान को, वहां से बातचीत करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अमेरिका ये कह रहा है कि ठीक है हमारी डील हो गई है, और उसके बाद वहां से वापस जाने का ऐलान हो जाता है, और तब ये कहा जाता है कि एक साल तक तो रेजिस्टेंस हम दे ही लेंगे, एक साल तक रेजिस्टेंस, इसीलिए शायद मुल्ला बरादर ने कहा कि सोचा नहीं था इतनी आसान जीत मिलेगी। लेकिन अब चलता हूं मैं अपने बाकी मेहमानों के पास, शीलकांत शर्मा साहब, सवाल यह है कि इसमें सबसे बड़ा गुनहगार किसको माना जाए, जावेद गफ्फारी आ रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर मेरे को आप मौका दें तो मैं बताऊं, कल CNN पे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का इंटरव्यू आ रहा था, और CNN का जो इंटरव्यूअर था वो उनको बुरी तरह से ग्रिल कर रहा था, पर उन्होंने एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका WTC अटैक के बाद जो सबसे बड़ा काम था जो बिन लादन को मारने का वो कर चुका था 2011 में, तो अगर वो काम सबसे बड़ा था तो वो काम कहाँ हुआ, अबटाबाद में हुआ, तो उस अबटाबाद के में जिस पाकिस्तान ने बिन लादन को रखा था उसके खिलाफ अमेरिका ने क्यों नहीं किया कुछ, बल्कि उल्टा उस पाकिस्तान पे और एड पोर करते रहे। तो ये अगर अमेरिका अगर ये सोचता था कि अफगानिस्तान से असली एक्शन उसको मारना था, तो उसको जो बचाने वाला था उसको तो आपने कुछ नहीं किया, बल्कि उसको जैसे बहुत सारी चीजों को कार्पेट के अंदर डाल दिया, वो जिन्होंने उनके उनके न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वाले को कार्पेट के अंदर डाल दिया, तो ऐसी इसको भी डाल दिया। तो अब वो उस पाकिस्तान को आपने सपोर्ट किया और आज तक कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान जो है वो अब तालिबान का कठपुतली चला रहा है बिल्कुल, और बिल्कुल कठपुतली के समान चला रहा है, क्योंकि मुल्ला बरादर पाकिस्तान से आते हैं फिर जाके हैं दोहा, वो फिर वापस काबुल आते हैं, फिर जो वो कहते हैं वो बात करते हैं, ठीक है, फिर जो इनके जो आए हैं तालिबान वो जो भी बात करते हैं वो पाकिस्तान से कही हुई बात कहते हैं, ठीक है, ठीक है, फिर जो पूरा खेल हुआ है दो दिन पहले आप जो डिस्कशन कर रहे थे कि पूरी स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग हुई है वो सब पाकिस्तान की सेना के साथ हुई है, इनकी तभी घेरे हैं पूरे धीरे धीरे कर काबुल को घेरा है, राइट, और गनी जो साहब प्रेसिडेंट है वो ही द फॉल गाय, उनके उनके मत्थे सब कुछ मड़के ये आप साधु बन जाएंगे साहब, ये सब प्योर हो जाएंगे, तो ये इनका खेल है। लेकिन क्या ये खेल कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सर? 9/11 से पहले जो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म वाला ओपिनियन था वो बदला था क्या? इतनी जल्दी आंखों में फिर से पट्टी बन गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। नेहा पंजी के पास जाना चाहता हूँ, नेहा पंजी, अमेरिका की आवाम कैसे देख रही है? अमेरिका की आवाम इस वक्त बहुत ज्यादा डिवाइडेड है एज यूजुअल, लेकिन एक सेंटिमेंट बहुत कॉमन है कि हर कोई वहां महिलाओं की और बच्चियों की स्थिति को लेके एक तरह से कहा जाए तो टेररिज्ड है, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि तालिब का जो एटीट्यूड रहा है महिलाओं के प्रति वो बहुत ही रिग्रेसिव है। देखिए फंडामेंटलिस्ट इस बात में हम सब नया पंजी में ये जानना चाहूंगा कि अगर ओपिनियन डिवाइडेड है तो मेजॉरिटी क्या सोच रही है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन एक अहम खबर बताने के बाद, काबुल एयरबेस बंद होने से लाखों लोग फंसे, अफगान नागरिकों में काबुल छोड़ने की बेचैनी, एयरपोर्ट पर बस के यात्रियों जैसी दिखी तस्वीर, एक दूसरे पर चढ़कर फ्लाइट पकड़ने की होड़, काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर हजारों लोग मौजूद, काबुल के रनवे पर हजारों लोग मौजूद, कुछ लोगों ने तो ग्लोब मास्टर के विंग पर जाकर बैठ गए वो, और जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ की वो बेचारे नीचे गिर गए।
जान बचाने के चक्कर में जान से चले गए, मौत दिख रही थी, कुआं या खाई में से एक चुनना था, लेकिन इनमें से कोई भी उनको बचा नहीं पाया। ये देखिए आप, एक तो ये देखिए कि उनको ये लग रहा था कि वो जान बचा सकते हैं विंग्स में बैठकर, कैसी जहालत और किस किस युग में रखा गया है वहां उन्हें, ये भी समझिए। और दूसरे ये भी समझ लिए कि जान पर आफत कितनी इमिनेंट उनको दिखाई दे रही है कि अब किसी भी सूरत में वो तिनका पकड़ के ही ये दरिया पार कर जाना चाहते हैं। बोलिए जावेद गफ्फारी। पहली बात, तारिक फतेह की जितनी बातें हैं सारी मैं मुस्तरद करता हूं, झूठ बोल रहे हैं। वो पाकिस्तानी नहीं है, वो भगोड़े हैं पाकिस्तानी, वो कनाडा में बैठे हुए हैं। नंबर टू, आपने जो कहा अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल बदल रही है, तो सूरत हाल बदल रही है तो उनका जो पहला पैगाम कल जारी किया गया तालिबान ने वो सुन लें। उनका यही कहना है कि वो अमन के लिए आए हैं, बेहतरी के लिए आए हैं, और वो 20 साल पहले जो इरादा किया था उन्होंने उसको 20 साल उनको लगा। जावेद गफ्फारी, मैं खंजर को फूल कहने लगूं आज से, और मैं मर्डर को अमन कहूं, मैं मर्डर को अमन कहूं और खंजर को फूल, आपको है कबूल? मर्डर अभी होने तो दे, अल्लाह माफ करे, अब क्यों, अच्छी बात भी कर लिया करें ना दिनेश, उधर कुछ नहीं हुआ, अभी खून नहीं बहा, अभी वहां में सुकून है। ये खूनी लिबरल जो बैठा हुआ है ना तारिक फतेह, ये तो शरारती है, ये तो शरारत करेगा। आप सियाने बंदे हैं, आपने तो खुद तर्जमान को उसका इंटरव्यू किया था, दोबारा कर ले, अभी तो वो हो सकता है उसको मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन बना दे, तो वहां पे सबर तो कर ले, देखे तो सही ना, तो हो गया जो हो गया, हमारे रोने से, हमारे चीखने से, हमारे चिल्लाने से वो वक्त वापस नहीं हो सकता, वो वक्त गुजर चुका। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं जिधर हवा बह रही है आप उस तरफ पीठ कर रहे हैं, आप हवा के साथ चल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो हकीकत है उसके साथ कदम ताल करें, आप ये कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अभी जो सूरत हाल है ना उसको समझने दें, अभी जो सारे हसा मसा है ना सारा कुछ। तारिक फतेह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप दोनों बात कर सकते हैं, एक मिनट का टाइम दीजिए दोनों को। तो ये होता ही ना, अगर हमारे आप जब इतनी नेटो फोर्सेस कुछ नहीं कर सकी, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता जो सुपर पावर है, इंडिया उसके अंदर इन्वॉल्व है सारा कुछ। तारिक फतेह आपसे कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, आपने बहुत सारी उपमाएं दे दी उनको, बड़े एडजेक्टिव्स लगा दिए उनके साथ, जरा उनको भी सुन लीजिए। आप सारे के सारे, एक सेकंड जावेद गफ्फारी, एक सेकंड तारिक फतेह को भी सुनिए। देखिए, ये बेचारों को जाने दें, इन्होंने एक्टिंग करनी होती है, अब ये घर जाके बालूशाही बांटेंगे लोगों के अंदर, बाहर निकल के जय हिंद कहेंगे, अंदर जाके कहेंगे हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान का झंडा चूमेंगे, ये इन लोगों को रहने दीजिए सर। इन्होंने पिछले कोई 70 साल हो गए हैं झूठ बोलते हुए इनको। ये मोहम्मद अली जिना की जाके तस्वीर उतारें पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, फिर बात करें किसी से, इनका क्या ताल्लुक है सच्चाई से या यकजहती से? ये तो यानी पहले मैं ये क्लियर कर दूं, आपको शायद ये मालूम नहीं है, जावेद गफ्फारी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नंबर एक। नंबर दो, मैं ये भी आपसे तारिक फतेह पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप इस घटना के बरक्स? आप देखिएगा, टुकड़े टुकड़े होंगे उसमें, कौन सी ऐसी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े वाले। अच्छा, खबरदार, पाकिस्तान के टुकड़े की बात की तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होंगे भी, तो क्या बांग्लादेश आसमान से गिरा? पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हो, खबरदार, पाकिस्तान को कुछ कहा तो तमीज आज टुकड़े टुकड़े हो गए, सही बात नहीं कर सकते तो इसका मुंह तरफ बंद कर, कोई हक नहीं पहुंचता, टुकड़े टुकड़े तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हक नहीं पहुंचता। आपने 10 लाख बंगाली हक नहीं पहुंचता कि मैं कहूँ आपसे कुछ, आप आज बलूचिस्तान के अंदर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। जावेद गफ्फारी कम से कम आपको ये देखना चाहिए कि आप किस उम्र के आदमी से, किस स्टेचर के आदमी से क्या कह रहे हैं। और दूसरे नहीं, दूसरे जावेद गफ्फारी आपको एक पढ़ा लिखा सहाफी, इस तरीके से आपको पहचाना जाता है जावेद गफ्फारी, उस पहचान को कायम रखिए, उस पहचान को कायम रखिए। प्रसून, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, प्रसून खास तौर से इधर साउथ एशिया में क्या हो रहा है आने वाले दिनों में, बहुत बहुत क्विकली। जी दिनेश, बहुत पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 20 दिन पहले जो तालिबान का डेलीगेशन का हेड गया था उसी का नाम अब प्रेसिडेंट का नाम के लिए डिस्कशन हो रहा है, तो इससे लगता है कि इन कुछ देशों को पहले ही ये भाव गए थे कि वहां पे तख्ता पलट होने वाला है और सत्ता किस तरफ जाने वाली है, तो ये अंडर द टेबल जो बात कही गई है उस कहीं ना कहीं उसका विश्लेषण होना चाहिए।
बहुत आगे निकल गया हूं, मैं एक्सीड कर गया हूं टाइम से, 61 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इतना पैसा लगाया अमेरिका ने, क्या वहां से जो तेल निकला वो इससे ज्यादा कीमत का था? इस सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं। अपने सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।